एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसमें हम इंडेक्स के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट्स है वो नोट डाउन करते चलेंगे सो दैट आपको ईजी हो जाए कि लास्ट मोमेंट में आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इस एक्ट का फुल नेम, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ओके, क्योंकि जनरली क्या होता है हम प्रोनाउंस किस तरीके से कभी कभी सैट को पॉस्को के थ्रू करते हैं, तो मे बी इन केस अगर नाम पूछ ले कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एक्ट, ओके, और हमारे दिमाग में पॉस्को होगा, बहुत से लोग हैं जो पॉस्को इसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये इसका एग्जैक्ट नाम पॉक्सो है। अगर आपको पॉक्सो याद रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, अगर पॉस्को रहेगा तो हो सकता है आप वर्ड्स को आगे पीछे करते हैं, तो इसीलिए आपको पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। ये एक्ट है एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। इसकी इनएक्टमेंट डेट, इसमें एक बार अमेंडमेंट भी हुआ है वो देखेंगे, 19 जून 2012, ठीक है, 19 जून 2012 इसकी इनएक्टमेंट डेट है। और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, 14 नवंबर 2012 ये इसकी एनफोर्समेंट डेट है। ओरिजिनल जो एक्ट है वो एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, 19 जून 2012 इसकी इनएक्टमेंट डेट है और 14 नवंबर 2012 इसकी एनफोर्समेंट डेट है। अब इस एक्ट का हम प्रीएम्बल देखते हैं। ये एक्ट लाया क्यों गया था, इस एक्ट के टू फोल्ड पर्पसेस है। पहला, कुछ ऑफेंसेस को हमें प्रिवेंट करना है। कौन कौन से ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पॉर्नोग्राफी, इन तीन ऑफेंसेस को जो चाइल्ड के अगेंस्ट होते हैं उनको हमें प्रिवेंट प्रोहिबिट करना है। कौन से ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पॉर्नोग्राफी। दूसरा, हमें इस तरीके के स्पेशल कोड का एस्टैब्लिशमेंट करना है जो इन ये जो भी हमने ऑफेंसेस देखे उनका ट्रायल चला सके, ठीक है। तो बेसिकली ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे स्पीडी ट्रायल होता है, ये जो भी इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस होते हैं। तो एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरासमेंट एंड पॉर्नोग्राफी एंड प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोड फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। ये एक्ट बेसिकली एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है और इसका जो जेनेसिस है दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ये भी ध्यान में रखना है, 15 क्लॉज 3, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट है अ चाइल्ड चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट को आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये पावर देता है कि आप उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक स्पेशल लॉ ला सकते हैं। अगर इसका इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एक्ट जो है कहाँ से इसको किसको ध्यान में रख के बनाया गया है, 1992 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था, 11th जनवरी, याद रखिएगा 11th जनवरी 1992 को एक कन्वेंशन था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। ओके, इस राइट को ध्यान में रखते हुए ये इस एक्ट का निर्माण किया गया है, तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। अब इस एक्ट में जो भी इस जो कन्वेंशन था उनकी जो पार्टीज थी उनके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन दी गई थी कि दे विल टेक द मेजर्स टू प्रिवेंट द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें, किसी भी तरीके का अगर इंड्यूसमेंट है या कोअर्जन है चाइल्ड को इंगेज कराने के लिए अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में या प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए या पॉर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, ठीक है, या फिर जो चाइल्ड के अगेंस्ट जितने भी हीनियस क्राइम्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना इस कन्वेंशन के पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है। ओके, सो एंड वेयर एज द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन आर द हीनियस क्राइम एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। ओके, तो ये डेट आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, 11th दिसंबर, ऊपर हमने देखा था 11th जनवरी 1992 को ये कन्वेंशन, ओके, इसे करेक्ट कर लीजिए, मैंने 11th जनवरी बोल दिया है, ठीक है, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 11th दिसंबर को, सॉरी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, 11th दिसंबर 1992 को ये कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई किया था, 11th दिसंबर, ओके, इसको ध्यान रखिएगा, 11th जनवरी नहीं, 11th दिसंबर 1992, द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन क्लॉज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जो इम्पॉर्टेंट है आपको सेक्शन याद रखना है, 2A में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन सेक्शन 5 में है,
टू बी में एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट है, ये सेक्शन 9 में. ओके टू ये इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड का मतलब होता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. टू डी ए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके का विजुअल डिपिक्शन हो रहा है चाइल्ड का, ठीक है, जिसमें चाइल्ड को किसी भी तरीके का, चाइल्ड का जो फोटो है ना, उसको फोटो है, वीडियो है, किसी भी तरीके से चाइल्ड का डिपिक्शन हो रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के. टू ई में क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये सेम मीनिंग है जो सेक्शन 2 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में. टू एफ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट. टू एच रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. टू आई सेक्शुअल असॉल्ट, इसका आपको सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज का जो सेक्शन है वो याद रखना है. सेक्शुअल हेरासमेंट 2J में है. 2K में है शेयर हाउस होल्ड. शेयर हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है, जो भी ऑफेंसेस, जिस जो अक्यूज्ड है वो उस बच्चे के साथ उसी हाउस होल्ड में साथ रह रहा हो. स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. सेक्शन 3 में डिफाइन है पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट. पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट में क्या चीज़ है, बस इतनी याद रखनी है, कोई भी जो है अगर किसी बच्चे यानी कि जो चाइल्ड है किसी भी तरीके से पेनिट्रेट करता है उस हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना माउथ यूरेथ्रा और द एनस ऑफ अ चाइल्ड, या फिर चाइल्ड से करवाता है या इंसर्ट करता है, ठीक है, आपको वर्ड्स याद रखने हैं. पी से है पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेट, फिर या इंसर्ट करता है एनी ऑब्जेक्ट या एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी अदर देन पेनिस, या फिर मैनिपुलेट करता है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, या एप्लीकेशन ऑफ द माउथ टू द वेजाइना, वेजाइना पेनिस एनस यूरेथ्रा ऑफ अ चाइल्ड, या मेक्स द चाइल्ड टू डू सो. तो ये आता है पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट. सेक्शन 4 बात करता है पनिशमेंट ऑफ द पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट. इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है. पहला है कि अगर 16 से 18 के बीच में, ये ऐसा लिखा नहीं है बट क्योंकि सेकेंड क्लॉज में लेस देन 16 है तो ऑब्वियसली ये 16 से 18 के बीच में ही होगा क्योंकि 18 तक, ठीक है, बट लेस देन 18 ये ध्यान रखना है क्योंकि जो चाइल्ड होता है ही इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, तो 16 साल से लेके और 18 साल से कम उम्र की अगर बच्चों के बीच के कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट हो रहा है तो कितनी पनिशमेंट है उसके लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है, ठीक है, क्लॉज 2, क्लॉज 2 ऐड हुआ था, क्लॉज 2 वॉज एडेड बाय 2019 अमेंडमेंट, ये ध्यान रखना है 2019 का जो अमेंडमेंट था उससे ऐड हुआ था. इसमें यह है कि अगर बिलो 16 ईयर्स कोई बच्चा है उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट है तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, ये 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ये ध्यान रखना है, प्लस उसके बाद जो रीजनेबल कॉम्पनसेशन वगैरह है वो दिया जाएगा. ओके नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑफेंस, क्या है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, सेम ऑफेंस है, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द माउथ टू द सेक्शुअल ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड, बट इसमें थोड़ा सा एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड का मतलब क्या होता है, मोर ग्रेवर फॉर्म, कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, कोई आर्म फोर्स का मेंबर हो गया, या कोई अस्पताल है कोई, या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्कूल है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हुई है जहाँ पे किसी बच्चे के साथ उसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, या इस सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से कोई जो गर्ल चाइल्ड है वो प्रेग्नेंट हो गई, या ऑलरेडी शी वॉज प्रेग्नेंट उसके बाद जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ठीक है, या इसके वजह से उस बच्चे के मेंटल या शारीरिक तौर पे उसका बहुत बुरा असर पड़ा, या HIV, ठीक है, या फिर मर्डर कॉज हो गया बच्चे का, या इस तरीके से जो भी ग्रेवर फॉर्म है वो एग्रीवेटेड बनाता है उसका, यानी कि कोई पर्सन इन अथॉरिटी अगर कर रहा है या फिर बहुत ही ग्रेव तरीके से कि किसी भी कोअर्सिव मटेरियल का यूज़ करके, कोई डेडली वेपन का इस्तेमाल करके बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट हो रहा है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट में आता है, इतना ध्यान रखना है आपको. उसके बाद इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है, इसमें भी क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिएगा, इसकी पनिशमेंट में भी अमेंडमेंट हुआ था 2019 से, और इसमें अभी करंट पनिशमेंट क्या है, 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये इट कैन इवन एक्सटेंड अप टू डेथ, ये आपका ऐड हुआ था 2019 से प्लस फाइन. ओके ये ध्यान देना है आपको, फाइन देना. इसके बाद ये इतना याद रखना है कि भाई जस्ट एंड रीजनेबल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा.
नाउ कमिंग टू सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शन नंबर 7 बात करता है सेक्शुअल असॉल्ट. इसमें ये ध्यान रखना है कि पेनिट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, पेनिट्रेशन नहीं होता है, असॉल्ट है, असॉल्ट विथ सेक्शुअल इंटेंट, सेक्शुअल इंटेंट होना चाहिए. अब सेक्शुअल इंटेंट में क्या है कि कोई भी किसी भी बच्चे का जो सेक्शुअल ऑर्गन है उसको विथ सेक्शुअल इंटेंट टच करता है, जैसे कि वेजाइना है, पेनिस है, एनस है, ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड है, या फिर चाइल्ड से करवाता है, ठीक है, एंड गेट इनटू एनी एक्ट, फिजिकल एक्ट, कोई फिजिकल एक्ट होना ज़रूरी, क्योंकि असॉल्ट की बात है तो कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए विद द सेक्शुअल ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड, बट दिस फिजिकल कॉन्टैक्ट डज नॉट अमाउंट टू पेनिट्रेशन, क्योंकि अगर यहाँ पेनिट्रेशन हो जाएगा तो वो पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट हो जाएगा, ये याद आपको रखना है. इसकी पनिशमेंट क्या है, 3 साल से लेके 5 साल प्लस फाइन, इतना ध्यान रखना. एग्रीवेटेड सेम चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की है वही है. इसकी पनिशमेंट कितनी है, 5 ईयर से लेके 7 ईयर एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन. अब देखते हैं दूसरा ऑफेंस जो कि है सेक्सुअल हेरासमेंट, ठीक है. सेक्सुअल हेरासमेंट में क्या होता है, मतलब सेक्सुअल इंटेंट के साथ आप कोई, मतलब जो अक्यूज्ड पर्सन है वो किसी भी तरीके का वर्ड बोलता है, साउंड निकालता है, जेस्चर देता है, या फिर कोई भी अपना बॉडी पार्ट या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो वो एग्जिबिट करता है उस चाइल्ड के सामने, इस इंटेंशन के साथ कि वो चाइल्ड देखे, या फिर चाइल्ड के किसी भी बॉडी पार्ट को एग्जिबिट कराता है, या चाइल्ड को कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाता है, या उसको रेपिडेडली स्टॉक कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है कि वो उसके किसी भी वीडियो को या मटेरियल को या किसी भी तरीके के फैब्रिकेटेड फॉर्म ऑफ मटेरियल को पब्लिक कर देगा, ठीक है, या फिर चाइल्ड को एंटाइज करता है फॉर दी पोर्नोग्राफिक पर्पज़ या फिर सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन. अब सेक्शुअल इंटेंट क्या होता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, जो अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखें सेक्शुअल इंटेंट, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट, ये कोर्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दी केस, ओके. अब इसकी पनिशमेंट कितनी है, इसकी पनिशमेंट 3 साल तक की है प्लस फाइन, ओके. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, मतलब सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया. नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 3, ये हम सिर्फ क्विक रिविजन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सो दैट आपका एक इंडेक्स तैयार हो जाए, ठीक है. यूजिंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर दी पोर्नोग्राफिक पर्पज, किसी भी चाइल्ड का पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल, यहाँ पे एक जो मतलब वर्ड है आपको, कीवर्ड्स जो है वो ये है, पर्पज ऑफ सेक्शुअल ग्रैटिफिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको ऑप्शंस में हेल्प करेंगे, ठीक है. अब इसमें क्या चीज़ है, किसी भी तरीके से चाइल्ड का इस्तेमाल करना इन फॉर्म ऑफ मीडिया, मीडिया के में क्या हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन में या इंटरनेट के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी चाइल्ड का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन, ये लाइन याद रखिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन. नाउ उस मटेरियल में, उस फॉर्म ऑफ मीडिया में क्या हो रहा है, चाइल्ड का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या किसी भी तरीके से चाइल्ड का जो रियल या फिर फैब्रिकेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्ट था, ठीक है, जिसमें विद और विदाउट पेनिट्रेशन दोनों हो सकता है, उसे दिखाया जा रहा है, या किसी भी तरीके से इनडिसेंट या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड हो रहा है, तो ही विल बी गिल्टी फॉर दी चाइल्ड, यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर दी पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, ठीक है. अब इसका पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर दी पोर्नोग्राफिक पर्पज, तो अगर इसमें पनिशमेंट है, अगर आप कोई भी इस तरीके का अपराध करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स प्लस फाइन, और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होती है तो ये 7 साल से लेके फाइन, ये ध्यान रखना, ठीक है. नाउ कमिंग टू पनिशमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा. पहला कह रहा है कि अगर कोई भी स्टोर करता है या पजेस करता है कोई भी इस तरीके का पोर्नोग्राफिक मटेरियल, और उसको ना ही वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ना ही डिलीट कर रहा है, और ना ही उसका इंटेंशन ऐसा है कि हम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को ये दे कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन दे कि देखिए इस तरीके के ऑफेंसेस हो रहे हैं,
तो यहाँ पे उसको 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। और अगर फिर क्या है, अगर सब्सिक्वेंट हो रहा है तो दिस विल इंक्रीज टू 10,000 रुपीज़। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी अगर इस्तेमाल कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरीके के मटेरियल्स को, तो वहाँ पे उसकी पनिशमेंट कितनी है, इन दिस केस 3 years+ fine। ये ध्यान रखना है, 3 years+ fine। नाउ लास्ट है, अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इन दैट केस 3 साल तक की सज़ा होगी प्लस फाइन, और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है तो 5 साल तक से लेके 7 years तक, ठीक है। पहला क्या है, एक सेकेंड, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो 3 साल से लेके 5 साल तक प्लस फाइन, और सब्सिक्वेंट हो रहा है तो 5 से लेके 7 साल तक की सजा, ठीक है। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 5, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। याद रखिएगा, यहाँ अबेटमेंट और अटेम्प्ट दोनों की बात कर रही है। सेक्शन 16 में वही सेम डेफिनेशन है, 3 तरीके से अबेटमेंट हो सकता है जो हमने आईपीसी में देखा है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी या इंटेंशनल एक्ट। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट क्या है, अबेटमेंट क्या है, तो पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट जो भी इस तरीके का अपराध को अबेट करता है, और याद रखिएगा अबेट कर रहा है प्लस उसके कॉन्सिक्वेंस में ऑफेंस हो गया है, तो जो भी ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ और जो ऑफेंस हुआ उसकी सिमिलर पनिशमेंट होगी, ठीक है। अगर यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो उसकी जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो होगा, सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में कितना है, हाफ, ठीक है, हाफ या फिर जो भी लार्जेस्ट पनिश मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका हाफ, और इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो दैट विल बी गवर्न्ड बाय आईपीसी का सेक्शन नंबर 15। उसमें फ्रैक्शन ऑफ टर्म के लिए हमें 20 इयर्स देखने हैं, ठीक है, 20 इयर्स से हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ निकालेंगे। तो इसमें क्या है, 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ, यानी कि 20 इयर्स से हम काउंट करेंगे, या 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ये क्लियर हो गया, इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 5, प्रोसीजर फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द केस। सेक्शन 19 कह रहा है कि अगर किसी को भी लगता है कि इस तरीके का अपराध होने वाला है या हुआ है, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को खबर देंगे या किसी भी लोकल पुलिस ऑफिसर को खबर दिया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखते जा रही हूँ, राइटिंग में होगी, ठीक है, आप इन्फॉर्मेंट जिसने भी खबर दी है उसको आप उसके सामने रीड करेंगे इस तरीके की पूरी उसको, प्लस सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, सो दैट जो चाइल्ड है उसको ये अगर चाइल्ड ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, सो दैट चाइल्ड को समझ में आ सके। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही इन अथॉरिटीज़ को खबर मिलती है, ये तुरंत विद इन 24 आवर्स ये खबर पहुँचाएंगे चाइल्ड, मैं इसको दूसरे इंक से यूज़ कर दे रही हूँ, ये तुरंत खबर पहुंचाते हैं किसको, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी प्लस स्पेशल कोर्ट को। याद रखिएगा, दोनों को पहुंचाना है विद इन 24 आवर्स, ओके। इस सेक्शन में इतना ही है। उसके बाद ये है कि अगर किसी ने भी गुड फेथ में कोई, ये तो पता ही है कि भाई गुड फेथ में अगर खबर पहुंचाई है तो उनके अगेंस्ट कोई भी जो है लाइबिलिटी, चाहे सिविल क्रिमिनल कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन 20 क्या बात करता है, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़। अगर कोई भी होटल है, ठीक है, लॉज है या अस्पताल है, क्लब है, अगर उनको पता चलता है कि किसी भी तरीके के वो इस तरीके के एक्टिविटी या उनको कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखता है कि उनके स्टूडियो मीडिया जो भी है होटल वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तुरंत खबर पहुँचाते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर पुलिस ऑफिसर को, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर वो ये करने में फेल कर जाते हैं, ठीक है, अगर वो फेल कर जाते हैं तो इनको कितनी सज़ा मिलेगी, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 6 मंथ या फिर फाइन या फिर बोथ। दूसरा है कि अगर कोई
पर्सन है, एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी, अगर कोई एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी, अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है तो पनिशमेंट बढ़ जाती है, 1 ईयर हो जाती है या फाइन या बोथ। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी चाइल्ड ने दी है तो यहाँ पे फिर ये सेक्शन 21 एप्लीकेबल नहीं होगा। यही क्लॉज 3 कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू द चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ओके, नाउ पनिशमेंट फॉर द फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या है भाई, कोई झूठी खबर दे रहा है, एक जो कीवर्ड आपको याद रखना है वो क्या है, पहले तो किस ऑफेंसेस की झूठी खबर दी गई है, सेक्शन 3 में कोई ऑफेंस है, सेक्शन 5 में कोई ऑफेंस है, सेक्शन 7 में और सेक्शन 9 में, इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट कोई झूठी खबर दी गई है, क्यों दी गई है, सोलली विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट, टू ह्यूमिलिएट एक्सटॉर्ट थ्रेटन या डिफेम करने के पर्पज से। ठीक है, तो उन दैट के 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या बोथ, और अगर किसी बच्चे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है झूठी तो 1 साल तक की सज़ा, फाइन या बोथ, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका पूरा, आपको लास्ट मोमेंट में सिर्फ ये अपना इंडेक्स उठाना और आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा, आपको बेयर एक्ट नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी, आपको कीवर्ड्स लिखते हुए चलने हैं इंडेक्स पे। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी चैप्टर नंबर 6, क्या है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दी स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ दी स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये कौन यहाँ पे जो करता है, ये पुलिस आप जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला तो बच्चे के घर पे, रेसिडेंस पे या कोई भी अदर प्लेस जहाँ पे वो कन्वीनियंट हो, कोशिश की जाएगी विमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करें, एंड शी शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ, बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये चीज़ ध्यान रखनी, विमेन पुलिस ऑफिसर हो एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, प्लस ये यूनिफॉर्म में ना हो, जब भी किसी बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म में ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि नाइट में किसी भी स्थिति में बच्चे को रात में कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्थिति में चाइल्ड को नहीं रखा जाएगा कस्टडी में। फिर उसके बाद पुलिस की ड्यूटी है कि उनको चाइल्ड की, ये तो हर प्रोविजन में आपको मिलेगा कि चाइल्ड की आइडेंटिटी लीक ना हो। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ दी स्टेटमेंट बाय द मैजिस्ट्रेट, ये किस सेक्शन में रिकॉर्ड होता है, ये CRPC के 164 में रिकॉर्ड होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, CRPC के 164 में रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद बच्चे ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट में आपको लिखना है, उसके बाद CRPC के सेक्शन 207 में, ठीक है, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है इन सेक्शंस में, इनकी कॉपी जो है चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन है या जिन पे वो ट्रस्ट है, उनको दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द एडिशनल प्रोविजन, इसमें आपको बेसिक कुछ वर्ड्स बस याद रखने हैं, क्या कि जो बच्चा है उसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो उसके गार्जियन या जो भी जिन पे इनका भरोसा है उनके सामने रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उनके सामने होगा, फिर अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय किसी ट्रांसलेटर की हेल्प की ज़रूरत है तो वो लेना होगा, वो ले सकते हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 27 पे, सेक्शन 27 क्या बात करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड में क्या याद रखना है, CRPC का सेक्शन नंबर 164, ये जो तरीका बताया गया है इसी तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि FIR दर्ज हुई हो या ना हुई हो ये इमटीरियल, इसके बाद भी चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अगर विक्टिम कौन है, गर्ल चाइल्ड है, विक्टिम गर्ल चाइल्ड है, तो इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो कोई विमेन मेडिकल ऑफिसर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 स्पेशल कोर्ट का, डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, कौन बनाता है,
स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, कोई भी अगर उस डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट है उसी को हम स्पेशल कोर्ट बना देंगे, उसी को हम स्पेशल कोर्ट बना देंगे। और अगर उस डिस्ट्रिक्ट मतलब वहां पे अगर ऑलरेडी पहले से कोई चिल्ड्रन कोर्ट है, ऑलरेडी पहले से कोई चिल्ड्रन कोर्ट है कौन से एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में, तो इसको ही हम स्पेशल कोर्ट डिजिग्नेट कर देंगे। 29 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। प्रिजम्पशन में क्या बोल रहा है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, डिजिग्नेशन में कॉमन सा ही है कि भाई जब भी और भी कोई ऑफेंसेस मान लीजिए इस तरीके के साथ साथ कोई और भी ऑफेंसेस का चार्ज लगा है तो वहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट होगा उन ऑफेंसेस का भी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। प्लस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो स्पेसिफिकली दिया हुआ है 67B ऑफ ITI एक्ट, इसका भी ट्रायल साथ में चल सकता है, ठीक है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस करके। प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस में क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है सेक्शन 3 में, 5 में, 7 में या 9 में, तो इन दैट केस कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि ऑफेंस किया है अक्यूज ने, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ठीक है। और अक्यूज पे बर्डन क्या होगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको कीवर्ड, आपको पूरा इंडेक्स में आपको पूरा बेयर एक्ट नहीं लिखना है, कीवर्ड सिर्फ लिखना है सो दैट आपको, अगर आपने एक बार बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो लास्ट मोमेंट पे आप वो वर्ड्स देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होगा। अगर आपने सिर्फ प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी की है तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, यहाँ पे अक्यूज के ऊपर बर्डन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, ठीक है, इस एक्ट के, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि भाई एग्जिस्टेंस था मेंटल स्टेट का, और उसके बाद अक्यूज को ऑप्शन दिया जाएगा इस बर्डन को रिवर्ट करने का। दूसरी चीज़ क्या है कि मेंटल कल्पेबल मेंटल स्टेट में चीज़ें क्या क्या आती हैं, इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, ठीक है, फिर क्या आता है, रीज़न टू बिलीव, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर सेक्शन नंबर 31 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू द प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट, तो स्पेशल कोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन ही होता है, तो इन दैट केस सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कोर्ट विल बी डीम्ड एज अ कोर्ट ऑफ सेशन, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, जो भी इस स्पेशल कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहे हैं दैट विल ऑल्सो डीम्ड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सीआरपीसी पे अपॉइंट होते हैं। सेक्शन 32 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, इन्हें भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इनका प्रैक्टिस होना चाहिए एटलीस्ट एज एन एडवोकेट फॉर दी 7 ईयर्स, एंड दे विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीआरपीसी के सेक्शन 2U में, बस इतना आपको इसमें ध्यान देना है। फिर चैप्टर नंबर 8 है प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, ठीक है। प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट में क्या है कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है किस पे, कंप्लेंट पे, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट, इस पे भी हो, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट, सॉरी स्पेशल कोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली होता तो कोर्ट ऑफ सेशन है, और सीआरपीसी के सेक्शन 193 के हिसाब से कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, बट उसमें एक्सेप्शन दिया है कि अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ, तो एनी अदर लॉ में साफ साफ यहाँ दिया हुआ है, तो दिस इज स्टैंड एज एन एक्सेप्शन टू सीआरपीसी 193, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके बाद क्या है कि जब भी एग्जामिनेशन शुरू होगा तो क्योंकि एक बच्चे के सामने अब इस तरीके का सवाल पूछना थोड़ा सा उसके मेंटल स्टेट के लिए सही नहीं रहता है, तो ये आप बस ये आप स्टोरी काइंड ऑफ समझ सकते हैं कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा या जो भी काउंसिल होंगे अक्यूज के बिहाफ में जो अपीयर हो रहे हैं, तो जब भी एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो वो बच्चे के सामने डायरेक्ट क्वेश्चन ना रख के स्पेशल कोर्ट के जज को दे देंगे और वो उसके बिहाफ पे बच्चे से पूछेंगे,
इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेक देना है, ये कुछ बस आपको इतना याद रखना है, फ्रीक्वेंट ब्रेक होगा। फ्रीक्वेंट ब्रेक के अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फियर होना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड कोई एग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं होगी इस तरीके की, उसकी आइडेंटिटी को बचा के रखना है अनटिल अनलेस, जब तक कोर्ट ऑफ सेशन को ना लगे कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब आइडेंटिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये ध्यान देख सकते हैं कि जो चाइल्ड है उसकी फैमिली की आइडेंटिटी, उसके स्कूल की आइडेंटिटी, उनके रिलेटिव्स की आइडेंटिटी, नेबरहुड या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्पनसेशन कोर्ट ग्रांट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 34 इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी अपराध इस एक्ट के अंदर किसी बच्चे ने ही किया है तो ही विल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द जे जे एक्ट 2015 इसके हिसाब से, और जो कोर्ट मतलब जो स्पेशल कोर्ट है उस बच्चे की एज का डिटर्मिनेशन भी वही कोर्ट करेंगे। और अगर कोई भी फर्दर, एक बार मान लीजिए एज डिसाइड हो गई उस बच्चे की, बाद में कोई ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे उसकी एज ऐसा लगता है कि नहीं या कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उस एविडेंसेस की वजह से ऐसा नहीं होगा कि जो कोर्ट ने प्रीवियस ऑर्डर दिया था उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। तो क्लॉज 3 अगर आप देखेंगे तो वो यही सिंपली कहता है कि नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली बाय एनी सब्सिक्वेंट प्रूफ ऑफ दैट एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 35 पीरियड ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, इसको बस इतना ऐसे याद रखिए कि कॉग्निजेंस लिया गया है, कॉग्निजेंस के विद इन 30 डेज, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होना चाहिए, और कॉग्निजेंस के विद इन 1 ईयर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए बस। कॉग्निजेंस है उसके 30 डेज के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो जाना चाहिए, कॉग्निजेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और विद इन 1 ईयर कॉग्निजेंस से ही विद इन 1 ईयर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन 36 बात करता है चाइल्ड नॉट टू सी द अक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, जब भी एग्जामिनेशन चल रहा होगा कोर्ट को ये इंश्योर करना होगा कि चाइल्ड किसी भी स्टेज पे अक्यूज को ना देखे, बट मीनवाइल कोर्ट को ये भी देखना है कि जो अक्यूज का राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी फुलफिल हो, ठीक है, वो भी फुलफिल हो। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि चाइल्ड का फिर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, या फिर सिंगल विजिबिलिटी जो मिरर्स होते हैं या कर्टन लगा के उनका, तो आप चाहें तो इसको उसमें लिख सकते, हो सकता है पूछ ले ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, सिंगल विजिबिलिटी मिरर, ठीक है, कर्टन लगाया जा सकता है या किसी भी अदर तरीके से। उसके बाद क्या है, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, ठीक है, ट्रायल। उसके बाद इसके बाद तो ये सारे सेक्शंस हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग ऑफ द चाइल्ड स्टेटमेंट ऑफ द एविडेंसेस ऑफ द चाइल्ड, फिर गाइडलाइन फॉर द चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है, यहाँ पे एनजीओ वगैरह से हेल्प ली जा सकती है। उसके बाद चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ द चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर, दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 301 ऑफ CRPC। और अगर किसी भी कारणवश बच्चा जो है या उसके जो गार्जियन है वो अपने लिए लीगल प्रैक्टिशनर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये याद रखिएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको उनका राइट प्रोवाइड, उनको लॉयर्स प्रोवाइड करवाएगी। ओके, प्रोविजन ऑफ 3 to 13 विल नॉट एप्लीकेबल इन सर्टन केसेस, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, ये आप लिख लीजिए, मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, तो उसमें ऑब्वियसली बच्चे की बॉडी को टच करना पड़ेगा, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड। ये सारी चीज़ें, फिर अब आते हैं ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट पे, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑफेंस हुआ है कौन कौन से सेक्शन में, 166A, 354A, BCD, 370A, 75, 76, मतलब जो रेप वाले प्रोविजन है, या फिर 67B ऑफ द IT एक्ट, तो उसमें क्या होगा, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जो भी ग्रेटर है जिस भी एक्ट में, क्योंकि यहाँ पर भी मिल रही है उनको सजा, इस एक्ट में भी मिल रही है और IPC और IT एक्ट में भी है, तो जो भी ग्रेटर होगा वो वाली सज़ा इम्पोज की जाएगी। उसके बाद
एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर पब्लिक अवेयरनेस. पब्लिक अवेयरनेस कौन फैलाएगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है. मॉनिटरिंग कौन करेगा इस एक्ट की? मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द या फिर स्टेट कमीशन, उनको जिम्मेदारी दी गई है. पावर टू मेक रूल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है. पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज़, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है. अब ये आप देखिए कि पूरी तरीके से आपका इंडेक्स तैयार है. आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर ये पीडीएफ अगर मैं आपको शेयर करूँ तो आपको वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि इसका जब प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो समझ नहीं आएगा. तो इस वीडियो को देखिए आप और अपने इंडेक्स पे खुद इस तरीके से लिख लीजिए, और जो वर्ड्स आपको भूल रहे हों, ठीक है, जो भी वर्ड्स आपको भूल रहे हैं आप उनको वहाँ पर लिख लीजिए. और बेसिकली देखिए सिर्फ इतना है, हमने 35 मिनट्स में पूरा एक्ट कंप्लीट कर लिया क्विकली. अब अगर आप इसके बाद, क्योंकि देखिए डेफिनेशन क्लॉज में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेफिनेशन क्लॉज को अच्छे से पढ़िएगा, प्लस सेक्शंस. सेक्शन अब क्योंकि हमने अंदर तो पढ़ लिया, बट अगर इन केस अंदर डिटेल में पढ़ लिया और पूछ लिया कि सेक्शन 13 में क्या है, या फिर दे दिया कि ये चीज़ किस सेक्शन में, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी. तो इसीलिए इंडेक्स को आपको इस तरीके से पढ़ना है और अपने नोट्स बना लीजिए. आपको लास्ट मोमेंट में आधे आधे घंटे में सारे एक्ट क्विकली रिवाइज हो जाएंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और इन केस अगर पढ़ाते हुए कोई भी बाय मिस्टेक कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में उसे बता दीजिएगा, विल करेक्ट इट. ओके, थैंक यू.